तो दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आप लोग का अपने इस YouTube चैनल टिप्स की पुकार में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, दोस्तों आप लोग जैसा कि यहाँ पे साइड में जो देख रहे हैं थंबनेल, ये दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैं एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों कुछ दिन पहले, जो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप लोग का इंस्टाग्राम अकाउंट दोस्तों पर्सनल अकाउंट जो दोस्तों स्विच नहीं हो रहा था, कैन टू बी ए भी यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से भाई बहन जो है यहाँ पे निगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, गालियाँ वगैरह सब कुछ दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि उसमें दोस्तों यहाँ पे जो ब्लैक हो चुका है जो आप लोग जो देख रहे थे ना, वो दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड वगैरह मांगता है तो ब्लैक हो जाता है, इसीलिए वो आपको नहीं बता पाए उसमें, नहीं यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से दे पाए। तो आप लोग को इसमें आप लोग को बता दूंगा, लेकिन दोस्तों आप लोग जो है कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स वगैरह मत कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है अपने इंस्टाग्राम को स्विच कर पाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग को बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग तो दोस्तों वहाँ पे देख चुके हैं कि कैसे यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे आप लोग, जो कैन टू भी यहाँ पे जो ऐसा जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आप लोग को बगल में, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गया होगा उस वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग को स्विच करके दिखाऊँगा, तो दोस्तों इसी की वजह से मैं आज यहाँ पर आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते, ज़्यादा देने करते हैं, आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम आप लोग को दोस्तों यहाँ पे अच्छे से बता देते हैं, बाकी आप लोग जो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले आप लोग खुद सोच लेना चाहिए कि दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और दोस्तों आप लोग जो है नेगेटिव कमेंट प्लीज़ मत ऐसा कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग दोस्तों सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया, उससे पहले अभी तक आप लोगों ने इसे यहाँ पे अपडेट नहीं किया तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पे चलिए आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को सिंपली करना क्या है, अपने प्रोफाइल पे जाना होगा। प्रोफाइल पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों यहाँ पे पर्सनल प्रोफेशनल डैशबोर्ड का, तो इसे हटाना है। तो आप लोग करना क्या है, ऊपर आप लोग को थ्री डॉट दिख रहा होगा, आप लोग को दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉट पे लाइन पे क्लिक करना है। दोस्तों वो प्रॉब्लम आप लोग को कैन टू बी प्राइवेट बिजनेस अकाउंट का जो ऑप्शन था वो दोस्तों आप लोगों में शायद उस वीडियो के माध्यम से आप लोग का हट गया होगा, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आप लोग का सॉल्व होगा, कैसे उसे स्विच कर किया जाता है। दोस्तों कुछ भाई को मैंने यहाँ पे लिंक भी दे दिया हूँ एक वीडियो का, जो है मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, लेकिन वो भाई बहन देख नहीं पा रहे तो देख लीजिएगा ज़रूर। और यहाँ पे चलिए दोस्तों मैं आप लोग करना क्या, सेटिंग पे जो है क्लिक कीजिएगा पहले ऑप्शन पे, और उसके बाद से दोस्तों आप लोग को सिंपली करना क्या होगा, नीचे आप लोग को आना होगा, बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलते हैं। आप लोग को सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे आप लोग को मिलता है दोस्तों, यहाँ पे एरो दिखा रहा हूँ बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल्स का ऑप्शन आपको देखना दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप लोग को दोस्तों यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे आप लोग को स्विच अकाउंट टाइप्स का एक ऐप जो है ऑप्शन दिख रहा होगा, अकाउंट स्विच अकाउंट टाइप्स का, आप लोग इस पर क्लिक करिएगा। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है स्विच टू पर्सनल अकाउंट का एक ऑप्शन आपको, और दूसरा मिल जाता है स्विच टू क्रिएटर अकाउंट। आप लोग को पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करना है पहले वाले पे। जैसे आप लोग दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐसा इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसके पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कैन टू बी प्राइवेट बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए स्विच टू पर्सनल अकाउंट है, उस वीडियो को देखकर वहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लोग को स्विच टू पर्सनल अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों आप लोग करेंगे, दोस्तों आप लोग का यहाँ पे मैं देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार सॉरी मैं दोस्तों यहाँ पे उसे कट कर दिया हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बार और आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों कुछ जो है दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव आवाज़ आएंगी तो आप लोग उसे इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ और दोस्तों यहाँ पे स्विच टू अब पर्सनल अकाउंट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये नेटवर्क कनेक्ट। दोस्तों मैं यहाँ पे बैक चला गया था इसलिए वो यहाँ से हट गया है, कि जैसे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद से थोड़ा सा वेट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि नेटवर्क अब मेरा यहाँ पे स्लो चलता है तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हो नहीं पा रहा, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्विच टू पर्सनल अकाउंट मेरा स्विच हो चुका है। मैं यहाँ पे बैक चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में चलता हूँ, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे वो डैशबोर्ड का ऑप्शन हट चुका है, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग का यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले आप लोग को सोच लेना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या कमेंट्स कर रहा हूँ, और
दोस्तों मैं आप लोग के लिए ऐसे नॉलेज ट्रिक लाता रहता हूँ, तो वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।